हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स लाइव डियर लर्नर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। अबनॉर्मल बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की सीरीज में आज जिस एबनॉर्मैलिटी के बारे में हम बात करेंगे, जिस डिसऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसे हम शॉर्ट में PTSD भी कहते हैं और एक ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस डिसऑर्डर होता है। क्या क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आएंगी, ये सारा कुछ हम आज के वीडियो में बात करेंगे। बट वी आर टेकिंग इट फॉर क्लास 12th फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड ऑल दोज हु हैव कीन इंटरेस्ट इन एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे PTSD कहते हैं। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिस पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये जो कंटेंट है अबाउट PTSD, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से रिसीव कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो करिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। आज की क्लास हम बिगिन करते हैं और कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर क्या होता है, किस तरह से होता है, इसके बारे में डिटेल में बात होगी। उसके बाद PTSD के मेजर सिम्टम्स जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि कोई भी पर्सन PTSD से सफ़र कर रहा है। इसके बाद हम कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे जो PTSD से काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी कॉमन हैं। तो किस तरह से, जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होता है वो ट्रॉमा की वजह से होता है, तो कोई भी ट्रॉमा कितना ज़्यादा या कम हो सकता है, उसकी डिग्री, उसकी इंटेंसिटी कितनी हाई या लो है, उसके बेसिस पर कुछ और डिसऑर्डर्स भी निकल कर आते हैं जिन्हें हम एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कहते हैं, रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर कहते हैं और डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर। तो इन सब के बारे में भी हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। चलिए क्विकली अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें शुरुआत करेंगे PTSD से, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगर इसके नाम को ब्रेक करें तो देखिए, पोस्ट मीन्स समथिंग दैट हैपन्स आफ्टर, यानी किसी ट्रॉमा के बाद होने वाले स्ट्रेस से जो डिसऑर्डर जेनरेट होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ट्रॉमा कोई छोटे लेवल का नहीं होता, ट्रॉमा वर्ड ही अपने आप में एक बहुत हैवी वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है, यानी कि किसी पर्सन ने बहुत ज़्यादा हायर लेवल का या तो ट्रॉमा को खुद एक्सपीरियंस किया है या फिर उसका वो विटनेस बना है या उसने उसको देखा है। जैसे कि किसी पर्सन ने किसी एक्सीडेंट में जिसका वो खुद भी पार्ट था, वो खुद तो बच गया लेकिन उसकी फैमिली ख़त्म हो गई, ये इवेंट जो है वो उसके लिए लाइफ टाइम एक ट्रॉमा बन के रहेगा और इससे जो उसको स्ट्रेस और एंग्जाइटी जनरेट होगी, बार बार रह रहकर जो प्रॉब्लम होगी वो ही उसको PTSD की फॉर्म में उसके साथ रहेगी। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इज अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर दैट मे अकर इन पीपल हु हैव एक्सपीरियंस्ड और विटनेस्ड अ ट्रॉमेटिक इवेंट। जिसने भी इस ट्रॉमा को, किसी भी तरीके के ट्रॉमा को, या तो खुद एक्सपीरियंस किया हो या फिर उसको विटनेस किया हो, देखा हो अपनी आंखों से, जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, कोई सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है, कोई टेररिस्ट एक्ट हो सकता है, कोई वॉर हो सकती है, रेप हो सकता है, इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी की डेथ हो सकती है, कोई सेक्सुअल वायलेंस हो सकता है या फिर सीरियस इंजरी हो सकती है। ऐसा कोई भी इवेंट जो एक बहुत बड़े लेवल पर पर्सन को मेंटली डिस्टर्ब करके जाता है उसको ही हम ट्रॉमा कहते हैं, और उस ट्रॉमा के बाद होने वाले जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो PTSD के फॉर्म में नज़र आते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का मेन कॉज हमेशा ट्रॉमा ही होता है, और ट्रॉमा भी बहुत हायर लेवल का होता है। कोई छोटा मोटा इवेंट पर्सन को ट्रॉमा नहीं दे सकता, ट्रॉमेटिक कंडीशन में ले जाने वाला इवेंट अपने आप में बहुत पावरफुल होता है। अब हम बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं PTSD के। पीपल विद PTSD हैव इंटेंस डिस्टर्बिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स रिलेटेड टू देयर एक्सपीरियंस दैट लास्ट लॉन्ग आफ्टर द ट्रॉमेटिक इवेंट हैज एंडेड। इवन दो जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है वहीं पर, लेकिन वो अपने कहते हैं जैसे कि वो अपनी निशानी नहीं छोड़ पाती, उस पर्सन के माइंड पर उसके इंप्रेशंस बने रहते हैं, उसके दिमाग में बार बार वो थॉट्स रहते हैं, उन थॉट्स की वजह से उसको बार बार ऐसा लगता है कि कहीं ये फिर से ना हो जाए। दे मे रिलिव द इवेंट थ्रू फ्लैशबैक्स और नाइटमेयर्स, उन्हें उस चीज़ के सपने आ सकते हैं। ख़राब चीज़ें जो होती हैं वो एक बहुत बिटर एक्सपीरियंस बन के उनके साथ चलती हैं, और हर चीज़ में वो ये महसूस करते हैं कि कभी ऐसा हो ना जाए दोबारा, तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस भी लेके पर्सन चलता है। दे मे फील सैडनेस, फियर और एंगर, ये चीज़ें तो ऑब्वियस सी बात है, एंग्जाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होती हैं। पर्सन में बहुत ज़्यादा सैडनेस देखने को मिलेगी, बहुत हायर लेवल की सैडनेस देखने को मिलेगी, पर्सन बहुत इंट्रोवर्ट होने लग जाएगा, वो डरा हुआ भी रह सकता है या फिर उसको गुस्सा भी आ सकता है। ऑल्सो दे मे फील डिटैच्ड और स्ट्रेंज फ्रॉम अदर पीपल, लोगों से घुलना मिलना पसंद ना करें, जैसे मैंने अभी बताया, इंट्रोवर्ट होने लग जाए, अपने आप में आइसोलेशन को ज़्यादा फॉलो करने लग जाए, ये चीज़ें भी हम PTSD में देखते हैं।
पीपल विद पीटीएसडी में अवॉइड सिचुएशंस और पीपल दैट रिमाइंड देम ऑफ द ट्रॉमेटिक इवेंट्स. ऐसी जगहों पे वो जाना नहीं चाहते, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने अपनी फैमिली को किसी कार एक्सीडेंट में खो दिया है तो वो पर्सन कार से कभी ट्रैवल ही नहीं करना चाहेगा. बिल्कुल इसी तरीके से कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट अगर किसी पर्सन ने देखा है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर उसने कोई देखा है कि कोई वॉर हुई है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो उस जगह पर जाने से वो पर्सन बचता है. तो ऐसी सिचुएशन से, ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से मिलने से या फिर वहाँ जाने से पीटीएसडी के जो पेशेंट होते हैं वो बचते हैं. दे मे हैव स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शंस टू समथिंग एज ऑर्डिनरी एज अ लाउड नॉइस और एन एक्सीडेंटल टच. छोटी बातों पर भी उनका रिएक्शन जो होता है वो बहुत बड़ा निकल कर आता है. अगर कोई दूसरों को वो सलाह बहुत ज़्यादा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए वरना ऐसा हो जाता है, वो चीज़ें उनके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन बना के रखती हैं, जिसकी वजह से पर्सन कुछ और नहीं सोच पाता और पीटीएसडी में ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. आगे हम बात करेंगे कि पीटीएसडी की तरह ही इवेंट से, सिचुएशन से होने वाले ऐसे कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जिनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर आता है. सबसे पहले बात करेंगे एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर की. ये जो डिसऑर्डर है इसका नाम, इसका जिक्र आपकी एनसीईआरटी बुक में है, क्लास 12th में, सीबीएसई क्लास 12th में एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर का जो नाम है वो जिक्र है. अब आप इसको पूरा ही समझिए कि ये होता क्या है. एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर अकर्स इन रिएक्शन टू अ ट्रॉमेटिक इवेंट जस्ट एट पीटीएसडी डज एंड द सिम्टम्स आर सिमिलर टू. सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं. हाउएवर द सिम्टम्स अकर बिटवीन 3 days एंड 1 month आफ्टर द इवेंट. सिचुएशन के होते ही तुरंत वो पर्सन ट्रॉमा में नहीं जाता, इट टेक्स टाइम. कुछ टाइम तक वो नॉर्मल होता है और उसके बाद उसको फील होना शुरू होता है कि ये कुछ ऐसी बात हुई थी जिसने, जो अब मुझे बहुत ज़्यादा धक्का दे रही है. तो इस तरीके से बिटवीन 3 days टू 1 month, उस इवेंट के होने के 3 days से 1 month के बीच में उसके सिम्टम्स होने शुरू होते हैं. तो ये काफ़ी हद तक पीटीएसडी से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है. पीपल विद एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर मे रिलिव द ट्रॉमा, हैव फ्लैशबैक और नाइटमेयर्स एंड मे फील नंब और डिटैच्ड फ्रॉम देमसेल्व्स. एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में पर्सन जो होता है उसको बार बार ऐसा फील होता है कि ये चीज़ें दोबारा ना हो जाएं. काफ़ी जो सिम्टम्स होते हैं वो पीटीएसडी के ही जैसे होते हैं. These symptoms cause major distress and problems in their daily life. अपनी regular life को वो जी नहीं पाते उसकी वजह से. About half of the people with acute stress disorder go on to have PTSD. जिन लोगों को acute stress disorder होता है वो लोग PTSD के होगा इसके बहुत high chances रहते हैं. तो PTSD और acute stress disorder में अगर हम ये ढूंढने की कोशिश करें कि फ़र्क क्या है, तो पीटीएसडी में हमें पोस्ट ट्रॉमा, ट्रॉमा का जो इफेक्ट होता है वो बहुत हायर लेवल का होता है. एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी उसका फ़र्क ज़रूर आता है पर्सन की डे टू डे लाइफ में, लेकिन एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होता है वो फ्रॉम 3 months टू 1 month, उसको थोड़ा टाइम लगता है पर्सन को फील होने में कि उसके साथ जो सिचुएशन हुई है वो कितनी ट्रॉमेटिक हुई है. यही मेजर डिफरेंस भी है. अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की. एडजस्टमेंट डिसऑर्डर इज़ अनदर टाइप ऑफ डिसऑर्डर जो कि लाइफ के किसी स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से होता है, किसी भी स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन की वजह से होता है, जिसके बाद पर्सन उस अपनी सिमिलर टाइप की लाइफ में एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील करता है. जैसे कि अगर किसी का कोई ब्रेकअप हो गया है तो वो दोबारा से उन चीज़ों को रिस्टार्ट करने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. तब हम ये देखते हैं कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर उस पर्सन के अंदर एग्जिस्ट करता है. कई बार ऐसा भी होता है कि डिफरेंट लाइफ इवेंट्स के साथ, जैसे कि एक इवेंट हुआ उसके बाद कुछ दूसरा हो गया, लगातार चीज़ें होती जा रही हैं, तो पर्सन एडजस्ट करने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. ये काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है. तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर क्या होता है बेसिकली, अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. एडजस्टमेंट डिसऑर्डर अकर्स इन रिस्पॉन्स टू अ स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, और इसके जो इमोशनल और बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं जो कि एक पर्सन एक्सपीरियंस करता है वो बेसिकली वही होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उसको इंटेंस फील होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं, नॉर्मल केस से डिफरेंट होते हैं. एक नॉर्मल एडजस्टमेंट से ये काफ़ी ऊपर की चीज़ होती है. एक तो होता है कि हमारे साथ कोई बात हो गई तो हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो एक छोटी मोटी बात है, लेकिन एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में जो स्ट्यूमुलाई होता है या जो इवेंट होता है उसमें स्ट्रेंथ होती है. वो पर्सन की लाइफ में एक बड़ा इवेंट होता है, वो मैटर करता है, बट वो उसको ट्रॉमा नहीं देता. वो एक इवेंट तो होता है बट वो उसको एक ट्रॉमा नहीं देता. तो इस तरीके से एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है. आप नीचे एग्जांपल्स में देख भी सकते हैं कि कोई रोमांटिक ब्रेकअप का जो है वो रोमांटिक रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो जाना, या फिर किसी भी पर्सन की इलनेस जो है वो बढ़ती जा रही है तो वो उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम करेगी कि कोई पर्सन बीमार है और वो बीमारी उसकी ठीक नहीं हो पा रही है. तो इस वजह से क्या होगा,
एक टाइम के बाद पर्सन को एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होने लग जाएगी कि मैं कब तक इस प्रॉब्लम के साथ सफ़र करता रहूं। तो ये होता है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। इसके बाद आता है रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर। ये छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर अकर्स इन चिल्ड्रन हु हैव एक्सपीरियंस सीवियर सोशल नेग्लेक्ट और डेप्रिवेशन ड्यूरिंग देयर फर्स्ट ईयर्स ऑफ लाइफ। शुरुआत के कुछ सालों में जिन बच्चों को सोशल नेग्लेक्ट किया जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, या फिर उनकी मेड को बार बार चेंज किया जाता है, जो केयर टेकर्स होते हैं उनके साथ वो रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं, तो इस वजह से उनके अंदर जो रिएक्टिव अटैचमेंट का जो है वो डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। जब उनको उनको बेसिक इमोशनल जो नीड्स हैं, उनकी जो कम्फर्ट है, जब उन्हें वो अवेलेबल नहीं होता, तब पर्सन के अंदर, बच्चे के अंदर जो डिसऑर्डर डेवलप होता है उसको रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। चिल्ड्रन विद रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर आर इमोशनली विड्रॉन फ्रॉम देयर अडल्ट केयर गिवर्स, दे रेयरली टर्न टू केयर गिवर्स फॉर कम्फर्ट, सपोर्ट और प्रोटेक्शन, और डू नॉट रिस्पॉन्ड कम्फर्टिंग वेन दे आर डिस्ट्रेस्ड। जब वो परेशान भी होते हैं ना तो भी वो किसी से बात नहीं करना चाहते। बेसिकली बच्चों में ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है, वो डिटैचमेंट की फीलिंग जो है डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर। ये कैसा डिसऑर्डर होता है? ये भी बिल्कुल रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर के जैसा ही होता है। डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर अकर इन चिल्ड्रन हु हैव एक्सपीरियंस सीवियर सोशल नेग्लेक्ट और डेप्रिवेशन बिफोर द एज ऑफ 2। 2 साल की उम्र से पहले जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फेस करना पड़ता है, एंड सिमिलर टू रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, इट कैन अकर व्हेन चिल्ड्रन लैक द बेसिक इमोशनल नीड्स फॉर कम्फर्ट, स्टिमुलेशन एंड अफेक्शन। डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़ा सा वेरी करते हैं रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर से। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो एक इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर सीख जाते हैं, अनफेमिलियर अडल्ट्स के साथ भी वो इनअप्रोप्रिएट बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड मे बी विलिंग टू गो ऑफ विद इन अनफेमिलियर अडल्ट विद मिनिमल और नो हेजिटेशन। तो छोटे बच्चों के अंदर जब हम ये देखते हैं कि वो अपनी उम्र के हिसाब से बिहेव ना करके बड़ों की तरह से बिहेव करने लगते हैं और अपने केयर गिवर्स की तरफ कोई खास अटेंशन नहीं देते, तो इस तरीके का बिहेवियर जो होता है वो डिसइनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर को बर्थ देता है। तो ये थे PTSD से जुड़े हुए 4 वो डिसऑर्डर्स जिनके बारे में हमने बात की। PTSD क्या होता है? ट्रॉमा से जनरेट होने वाला एक ऐसा डिसऑर्डर जो पर्सन को बहुत ज़्यादा शेक कर देता है। PTSD के सिम्टम्स के बारे में भी आपने पढ़ा, तो ये एक डिसऑर्डर था जिसको हमने पढ़ा। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू, दैट इज सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो उसको देखना मत भूलिएगा और पूरी ही सीरीज को देखना मत भूलिएगा जिसमें हम डिफरेंट डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू इट फॉर मी एंड कीप सपोर्टिंग लाइक यू ऑलवेज डू। थैंक यू सो वेरी मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।